नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडौरी जिले के शिक्षा व्यवस्था चौपट होती नजर आ रही है, जहां शिक्षक को नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन, मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन। इतना ही नहीं बल्कि जिले के कलेक्टर और सहायक आयुक्त का नाम तक नहीं पता। ये स्कूल करंजिया ब्लॉक के बरनई गांव का है, जहां प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं की नहीं पता देश के राष्ट्रपति, प्रदेश के राज्यपाल, जिले के कलेक्टर और सहायक का नाम नहीं पता। ये कोई एक स्कूल का नहीं बल्कि बरनई गांव के अलग अलग तीन स्कूलों के हाल है। ऐसे में ये शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे और बच्चों को शिक्षा देते होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे शिक्षकों के भरोसे देश के भविष्य कहीं जाने वाले बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे और संवारेंगे। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, पता है आपको? जी, प्रणब मुखर्जी। और गृह मंत्री? देश के रक्षा मंत्री का नाम मालूम है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल? सर, ये सब मीडिया के सामने तो हम लोग बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते। सॉरी सर, कि आप पूछने जाएंगे तो ये कहेंगे बीजेपी के जमाने के शिक्षक हैं, ये रिटायर होने की कगार पे हैं, ये कांग्रेस के जमाने के भर्ती किए हुए वही शिक्षक हैं जिनको ले दे करके भर्ती किया गया है। अब उनको शिक्षित कर दे कांग्रेस पुनः आई है, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएं। बस मैं तो यही कहूंगी। डिंडौरी से रिपोर्ट।